जम्मू के पुंछ सेक्टर में एलओसी पर फिर से फायरिंग। कृष्णा घाटी इलाके में बगैर उकसावे के बाद फौजी ने चलाई गोली, भारतीय फौज ने भी दिया करारा जवाब। पाकिस्तान ने 10 दिन के अंदर चौथी बार तोड़ा है युद्ध विराम। कल दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुई थी फायरिंग, रात भर होती रही गोलीबारी। सरहद पर फायरिंग के बाद पाकिस्तान की नई करतूत। पुंछ इलाके में भारतीय ट्रकों के लिए नहीं खोले दरवाजे। टमाटर और ड्राई फ्रूट्स लेकर पाकिस्तान जा रहे थे 25 ट्रक। एलओसी पर पाक सैनिकों की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ बेंगलोर में कैंडल मार्च। सरकार श्वेत पत्र जारी करने की मांग। एलओसी पर शहीद हुए भारतीय जवानों को जम्मू के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मोमबत्ती जलाकर किया शहीदों को याद। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद जागी दिल्ली पुलिस। पूरी दिल्ली में एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी ने रात तक किया गश्त। काले शीशे वाली गाड़ियों में काटे चालान, पुलिस का भी कटा चालान। ईस्ट ऑफ कैलाश में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय चौधरी की मौजूदगी में पुलिस ने बसों की धूली तलाशी। महिलाओं से पूछा, छेड़खानी तो नहीं हुई। साउथ वेस्ट के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय चौधरी का बयान, दिल्ली वालों में भरोसा कायम करने के लिए जारी रहेगी मुहिम। दिल्ली की नाइट लाइफ पर पुलिस की पाबंदी, 12:30 बजे तक नाइट क्लब में म्यूजिक हो जाएगा बंद। 1 बजे तक लास्ट ऑर्डर सर्व करने का फरमान। गृह मंत्रालय ने दिए दिल्ली पुलिस को निर्देश, 1 फरवरी तक बस के ड्राइवर और स्टाफ का हो वेरिफिकेशन। दिल्ली के बिंदापुर में 27 साल की महिला और उसकी 6 साल की बच्ची का मर्डर। घायल हालत में पति को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। धारदार हथियार से वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली के अलीपुर गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। कहा, झूठा फंसाने की है साजिश। 5वां आरोपी अभी फरार। दिल्ली के नरेला में धू धू कर चली होंडा सिटी कार, कुछ ही मिनटों में खाक हुई कार। पेट्रोल की कार में आग लगने से उठे सवाल। गाजियाबाद में बच्ची की जली हुई लाश मिलने पर लोगों ने पुलिस को बनाया निशाना। मुख्यमंत्री का पोस्टर जलाया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालकों की अब नहीं चलेगी मनमानी। जाने से मना किया तो कटेगा चालान। ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 2584444 पर करना होगा फोन या 56767 पर करना होगा एसएमएस। एसोसिएशन के एक सर्वे ने खोली सरकारी दावों की बोल। दिल्ली एनसीआर में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के दौड़ रहे हैं 82% वाहन, बिना रजिस्ट्रेशन के घूम रही हैं 78% गाड़ियां, 52% लोग नशे में करते हैं ड्राइविंग। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हरिनगर के व्यापारी से वसूली थी 80 लाख रुपए की फिरौती। मैंगलोर की मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जलकर खाक हुआ लाखों का माल। नोएडा की गुटखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 मंजिला इमारत में लाखों का माल हुआ स्वाहा। आग की वजह से आसपास का इलाका खाली करवाया गया। गुड़गांव पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश। 24 घंटे के अंदर की 3 हत्याएं, पहले अपने पब मालिक का किया कत्ल, फिर लाश के साथ पुलिस ने राजस्थान में पकड़ा तो 2 पुलिस वालों को भी उतार दिया था मौत के घाट। दिल्ली से सटे गुड़गांव की एक घर की छत पर चढ़ गया भैंसा। फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों बाद भैंसी को नीचे उतारा गया। मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया, नामी मॉडल के नाम पर फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों के साथ किया करता था ठगी। मुंबई में फेसबुक पर पोस्ट डालने वाली दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब। कहा, लड़कियों की गिरफ्तारी सही। मुंबई के कल्याण में 5 साल की बच्ची को बेरहमी से मारने पर चाचा गिरफ्तार। बच्ची पर 6 महीने से अत्याचार से त्रस्त पड़ोसियों ने की थी पुलिस से शिकायत।
मुंबई में अवैध रूप से चल रहे 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और कई तरह के फर्जी प्रमाण पत्र थे इन बांग्लादेशियों के पास। छेड़छाड़ और रेप जैसी वारदात को रोकने के लिए रेवाड़ी में 15 गांवों की महापंचायत, गांव गांव जाकर बनाई जाएगी कमेटी। चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में एक दंपति पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का संगीन आरोप। काम करने के लिए दिल्ली से लाई गई थी लड़की, आरोपी दंपति पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सीहोर में मूक बधिर छात्राओं को बॉयज हॉस्टल भेजे जाने का सनसनीखेज मामला, प्रशासन जांच में जुटा। यूपी के मुरादाबाद में विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के भाई पर महिला को धमकाने का आरोप, विधायक भाई के खिलाफ लामबंद हुए लोग, एडीएम सिटी से की शिकायत। शिमला में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस पार्किंग में गाड़ी निकालने पर युवक भूल गए थे, हाथापाई के बाद पुलिस ने चला दी गोली, परिजनों का हुआ हंगामा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बलात्कार की शिकार लड़कियों की तादाद 11 से बढ़कर 16 हुई, नई शिकायतों के बाद 5 और लड़कियों का हुआ मेडिकल टेस्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गैस टंकियां बनाने का नकली कारखाने का भंडाफोड़, 5 सालों से चल रहा था ये गोरख धंधा। यूपी के रायबरेली में बदमाशों की हैवानियत, बलात्कार में असफल होने के बाद मारी पीड़ित लड़की को कुल्हाड़ी। यूपी के फरुखाबाद में हैवानियत की हद, सरेआम युवक ने घर में घुसकर 8वीं क्लास की छात्रा से की रेप की कोशिश। झारखंड के लातेहार में सामने आए नक्सलियों की दरिंदगी, शहीद जवानों का पेट चीर कर लगाया था बॉम्ब, बॉम्ब स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। शिवसेना के मुखपत्र सामना में फिर केंद्र पर करारा हमला, रेल किराया बढ़ाने को लेकर आग बबूला संपादकीय। सामना में लिखा, अपनों की जेब काटने में माहिर है सरकार, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में नहीं दिखाती अपना दम। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 48वीं पुण्यतिथि आज, विजय घाट पर प्रार्थना सभा का आयोजन, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दी श्रद्धांजलि। 10 दिनों तक कपकपाती ठंड के बाद उत्तर भारत में मौसम ने खाई पलटी, शीतलहर से राहत, मैदानी इलाकों में तापमान 7 से 8 डिग्री बढ़ा, कई जगहों पर निकली धूप। उत्तर भारत में ठंड कम होने के बीच त्रिपुरा में रिकॉर्ड ठंड, सर्दी ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। टेस्ट की हार का बदला लेने आज राजकोट में उतरेगी टीम इंडिया, दोपहर 12 बजे इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होगा 5 मैचों की सीरीज का पहला वनडे। इंग्लैंड के खिलाफ भारत का धमाकेदार रिकॉर्ड, पिछले 7 साल से भारत को भारत में वनडे में नहीं हरा पाया है इंग्लैंड, पिछली दोनों सीरीज में किया क्लीन स्वीप। मैच से पहले कप्तान धोनी ने ओपनर्स के खराब फॉर्म पर जताई चिंता, कहा रहाणे गंभीर की जोड़ी से बड़ी उम्मीद। सीरीज से पहले दोनों प्रैक्टिस मैच हारने के बावजूद इंग्लैंड टीम के हौसले बुलंद, कप्तान कुक ने कहा जीत के लिए लगा देंगे जान। 2 के भाई को नहीं मिला मैच देखने का पास, लाइन में लगकर कटाया टिकट, इंग्लैंड के खिलाफ 19 जनवरी को रांची में है वनडे। सीरियल ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान, क्वेटा में 3 और सात में एक धमाका, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी स्कूल में फिर फायरिंग की खबर, कैलिफोर्निया के स्कूल में 16 साल की छात्र ने गोली चलाई, एक जख्मी। पश्चिमी वेनेजुएला में जबरदस्त सड़क हादसा, लॉरी से टकराई 2 बसें, 11 मरे, 75 जख्मी, बस पर सवार लोग राष्ट्रपति चावेज की रैली में जा रहे थे। चिली और पेरू की सीमा पर डकार रैली के दौरान टैक्सी और रैली के ट्रक की टक्कर, हादसे में 7 लोग जख्मी।
उत्तरी चीन में जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप, स्वात इनर मंगोलिया क्षेत्र में तापमान -44 डिग्री पहुंचा।